चुनाव निपटते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आए और बगावती तेवर दिखाने वाले सुहेल देव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। राजभर एनडीए के सहयोगी थे और इसी नाते योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ा। कुछ सीट पर तो उन्होंने गठबंधन के उम्मीदवार को सहयोग किया, वहीं एक सीट पर तो राजभर ने कांग्रेस के उम्मीदवार को भी समर्थन दिया। ओम प्रकाश राजभर अपने बेबाक बोल के चलते अक्सर विवादों में आते रहे हैं। उनके बिगड़े बोल ही रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें 2001 में बसपा छोड़नी पड़ी और अब मंत्री पद भी खोना पड़ा है। ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ उनके बेटे अरविंद राजभर की भी निगम के अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी गई है। राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसके चार विधायक भी चुने गए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर सरकार से दो दो हाथ करते नजर आते हैं। राजभर योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर जश्न में शामिल नहीं हुए थे। राजभर का ये भी कहना था कि उनकी और उनकी पार्टी की अनदेखी के चलते ही बीजेपी गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव हार गई थी। कई बार ओपी राजभर ने ऐसे बयान भी दिए हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत बने हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के हक में गए हैं। बहरहाल चुनाव के नतीजों से पहले ही बागियों की बलि देकर योगी ने साफ कर दिया है कि एनडीए में अगर हो तो कायदे में रहो, तभी फायदे में रहोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।